पांच क्वालिटी अवेलेबल, एक टाइम पे आपको मैं बता सकता हूँ। ये टोटल कट किया हुआ है, क्लीन किया हुआ है, मसाला लगाया हुआ है, दो घंटा मसाले में दबा के रखा गया है इसको अच्छे से, यानी फ्लेवर आने के लिए, टेस्ट आने के लिए। हर मच्छी का अलग पैटर्न है, अलग पैटर्न है, अलग शेप है, अलग डिज़ाइन है। ये बांगड़ा सिंगल काटा, बारीक काटा, ज़्यादा नहीं रहता इसमें। ये फैमिली से बिजनेस है पूरा, पहले फादर फिर बड़े भाई, अभी मेरी बारी। इधर पीढ़ी चल रही है। अच्छा, तो इसको सक्सेसफुली किसने बनाया पूरे फैमिली में? सबने अपने अपने मौके आजमाए, सबको टाइम मिला अपना अपना काम करने के लिए। अच्छा, और कुछ नहीं, बस जिसने जैसा, जिसको बेटर लगा उसने वैसा किया और उतना आगे तक पुश करते गया बिजनेस को। अब मेरा टर्न आया तो मैंने आगे तक पुश किया। अब मेरे नसीब में वीडियो वगैरह आए, कुछ टाइम पे वीडियोस वगैरह नहीं थे इतने, कुछ वीडियोस कम थे, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं था, सिर्फ यूट्यूब था। और अब तो हर घर में मोबाइल है, दो दो तीन तीन मोबाइल हर किसी के पास, तो इसलिए ज़्यादा बोलते ना पब्लिसिटी, कस्टमर ज़्यादा कोई आने लगे, ये बात है बस, और कुछ नहीं। और आपके फैंस के लिए कुछ खास, मतलब जब समझ नहीं थी इतनी, खुद के इस पे नहीं थे, समझता नहीं था इतना कुछ बिजनेस के बारे में, उस वक्त बहुत ये लगता था, ख़राब टाइम जाता था यार, मतलब बोलते ना उतना समझ नहीं पा रहे थे ना कि बिजनेस करना कैसा है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ज़रूरी क्या है बिजनेस के लिए, वो मोमेंट नहीं पकड़ पाए थे। तो आपने टोटल कितना साल लगाया इसके ऊपर? मेरा बचपन पूरा यही चला गया है, कम से कम 40 साल हो गया है, मेरे को 30 साल हो गया है, यानी मेरी उम्र मतलब 20-22 साल तो मुझे यहाँ पे खुद को हो गया है। क्या आइडिया कैसा लिया था आपने? ये करते थे पहले फादर, उनके हिसाब से उनको जैसा जमता था वैसा करते गए और फिर बाद में सबकी बारी आई जैसे बोले, तो मैंने सोचा कि नहीं इसमें कुछ नया करते। हर जगह जाओ, नासिक में या कहीं भी जाओ, फिश हर जगह मिलेगा खाने के लिए, कहीं भी तुम बोल नहीं सकते कि फिश नहीं है खाने के लिए, हर जगह फिश है। पर क्या है, बना के रखा हुआ रहेगा या फिर तल के तुरंत दे देगा, कुछ ट्रेंड, कुछ नया नहीं करेगा, कुछ नया ट्रेंड नहीं लाएगा। मेरा था क्या नया ट्रेंड क्या है, मैं खास क्यों, अलग क्यों, मेरा क्या नया है, मेरे पास नया क्या रहेगा, जो कस्टमर मेरे पास आए घूम के। चलेगा, मैं इधर रख देता हूँ, तेल नहीं थरेगा ना, वापस चले। इसको तेज करूँ या मीडियम करूँ? मीडियम करूँ। वो रहू है बांगड़ा फ्राई, राइस बाद में देखेंगे, बामू एक ही बचा है, 80 रुपये का एक, वो थोड़ा अलग है क्वालिटी इसमें। बांगड़ा 40, बांगड़ा 40 देखो, अभी टायर निकलेगा। बड़ा बड़ा है, 150 ग्राम का पीस आ रहा है, वेट ज़्यादा है इसलिए। कौन दादू इधर कौन सा डालना है इसमें? इसमें तो सब मिक्स है, टोटल तीनों भी है, सुरमई भी मिल जाएगा, बाम भी मिलेगा, सुरमई ले लो। पार्सल है ना? उधर क्रैकर है, वो क्रैकर